राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में छोटे बेबी के लिए कैप बनाना सिखाऊंगी। ये 0 से 3 महीने के बच्चे को इजीली आ जाए। मैंने मोटा कपड़ा लिया है इसलिए ये 3 महीने तक के बच्चे को आएगी। अगर आप पतला कपड़ा लेंगी तो ये 6 महीने के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये 13.5 बाय 13.5 का एक पीस ले लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इसकी लंबाई 6.5 है, तो इसी तरीके से मैं 6.5 पर निशान लगाते हुए ये सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आपको ये सर्कल ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। देखिए इस तरफ से खुला है और इस तरफ से बंद है और आपको इसी तरीके से ये कट करना है। इसे कट करते हुए ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती होने के चांस रहते हैं। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक ही लेना है, वही पहनाने में कंफर्टेबल रहेगा। अब इस तरीके से इसे सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे और मैंने ये सुई धागा लिया है। ये धागा मोटा लिया है, अगर आपके पास पतला धागा हो तो आप 5-6 तार बना के उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको सुई धागे की मदद से इसे पूरा सिल लेना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है और फिर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा और इसे अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों, अब हमें दूसरी साइड से इसको निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब दूसरी साइड से निकालने के बाद जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो धागा और ये, इन दोनों को पकड़ के आपको खींच लेना है। देखिए इस तरीके से मैं दोनों को पकड़ के खींच लेती हूँ और ये हमारी कैप की बहुत ही सुंदर शेप आ जाएगी। इन दोनों को अच्छे से खींचने के बाद यहाँ पर नोट लगा दें। नोट लगाने से ये यहाँ पर सेफ हो जाएगा और अब इसे कट कर लेते हैं। अब हमें दोबारा सुई धागे की मदद से इसको एरिया को बंद कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ से, और इसी तरीके से इसको पूरा बंद कर लेंगे। ये हमारा बंद हो गया है। अब मैंने ये 5 बाय 4.5 इंच का एक कपड़ा लिया है, इसे उल्टी साइड से हमें फोल्ड करना है और साइड से स्टिच लगा लेना है। बीच में थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ेंगे ताकि इसको सीधा कर सकें। ये सीधा करने के बाद मैंने दोबारा सुई धागा लिया है और इसको सेंटर से स्टिच कर देना है। ये सेंटर से स्टिच हो गया है और अब इसे इस तरीके से धागे को बाहर से लगा देंगे। ये मैंने येलो कलर की स्ट्रिप लगाई है, इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और सुई धागे की मदद से इसे भी हम अटैच कर लेंगे। आप धागे को काटें ना, इसी धागे से हम फिर इसे कैप से भी अटैच कर देंगे और ये हमारी बहुत ही सुंदर कैप बनकर रेडी हो जाएगी। ये बच्चों को पहनाने में एकदम कंफर्टेबल और गर्म रहेगा। आप भी इस तरीके का अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना सकती हैं। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए मैं आपको इसे पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से आ गया है और दोनों साइड से बच्चे के कान भी ढके रहेंगे।